नमस्कार। नाड़ी परीक्षण और स्वास्थ्य रक्षण की आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का प्रश्न है कि जीवन में रोग और दुख के लिए जिम्मेदार कौन है? भगवान, जन्म कुंडली, कर्म, भाग्य या अचेतन मन, इनमें से कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ही, और यदि ना हो तो थोड़ा सा चिंतन करें। क्या चिंतन है? हमारे सिर दर्द जो है वो हमारे अनावश्यक विचारों का परिणाम है। हमारा पेट दर्द हमारे गलत खान पान का परिणाम है। हमारा हृदय का दर्द गलत भावनाओं का परिणाम है, और हमारे मोटापा जो है का रोग, ये हमारे अनियमित दिनचर्या का परिणाम है। हमारे जीवन में जो कोर्ट विवाद आते हैं, ये अहंकार और स्वामित्व की भूख का परिणाम है। यदि हम इन सब बातों को देखें तो हमारे जीवन में जितने भी विवाद पैदा होते हैं, ये व्यर्थ की बातें बोलने से, व्यर्थ के कर्म करने से आते हैं। मित्रों, थोड़ा सा चिंतन करें तो सारे रोग और दुख की जड़ जो है अचेतन मन के भीतर। और अचेतन मन के भीतर क्या है? दमित इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं इत्यादि है। यदि इनसे हमें मुक्त होना है तो योग मार्ग का अनुसरण करना होगा, तभी हम रोग और दुख से मुक्त हो सकते हैं। और ऐसा इतिहास में चला आ रहा है, और हमें भी वैसे ही करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ छोटी सी चर्चा समाप्त। हरिओम।